चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था और हमने लास्ट टाइम अभी तक सिर्फ एक ही चीज की कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी किसमें मूव करती है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वेलोसिटी होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी ऐसे प्लॉट करेंगे लाइक अ टेंजेंट। वो टेंजेंट क्यों करेंगे ये भी बताया था, बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट ली जाती है डेल्टा आर वेक्टर, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल और स्ट्रेट मानी जाती है, ये कर्व नहीं माना जाता। तो क्योंकि कोई भी बॉडी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में कवर करती है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर भी टेंजेंशियल होगा। तो कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, हमेशा टेंजेंशियल। और हमें ये पता है कि बॉडी के पास स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है और बॉडी एंगल भी कवर कर रही है। तो बॉडी के पास दो दो वेलोसिटीज होंगी, एक लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यानी कि बॉडी जो सर्कल में घूमती है उसके पास v भी होता है, उसके पास ओमेगा भी होता है और दोनों के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। कोई डाउट इसमें? इसका प्रूफ हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपने जो भी करने जा रहे हैं। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था। नेक्स्ट आपने सपोज करो कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है हॉरिजॉन्टल, पहला पॉइंट क्लियर है। सपोज करो इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इज v1 वेक्टर। v1 वेक्टर का मतलब है कि इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू जो है कुछ होती होगी और मैंने वेलोसिटी को टेंजेंशियल ड्रॉ किया। अगले इंस्टेंट पे, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई। कितनी हो गई? v2 वेक्टर हो गया। तो कोई बोलने लगा सर इसमें स्पीड तो चेंज नहीं होती, आपने v1 वेक्टर v2 वेक्टर डिफरेंट क्यों लिखा? बोलो आंसर क्या होगा? क्योंकि डायरेक्शन। बिल्कुल सही। मतलब अगर मैं v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर का मॉड यानी कि ओनली वैल्यू यानी कि स्पीड लूं तो स्पीड दोनों की एग्जैक्टली सेम है, पर फिर भी मुझे v1 वेक्टर v2 वेक्टर लिखना पड़ा क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है तो वेलोसिटी वेक्टर डिफर करेगा। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन की वजह से नाम चेंज कर दिया v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ठीक, समझ में क्लियर है? नेक्स्ट इसके अंदर देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, सपोज करो, ठीक, दो मिनट इमेजिन करना है और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सपोज करो मैंने एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया, ये मेरे पास v1 वेक्टर है, ये मेरे पास v1 वेक्टर है, ये मेरे पास v2 वेक्टर है और मैंने एक ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए, दो वेक्टर तो मेरे पास ऑलरेडी है, ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए ये एक वेक्टर बना दिया तीसरा वेक्टर। पीछे वाले लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम, छोटा है, बड़ा बन भी नहीं सकता, बहुत छोटे स्केल पे बनता है। तो मैं दो मिनट के लिए इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। ये आपके पास एक v1 वेक्टर है, ये आपके पास एक v2 वेक्टर है और ये एक तीसरा वेक्टर है, ये रहा वेक्टर। क्लियर है? इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बना दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है तो मैंने इसका नाम एक्स वेक्टर रख दिया दो मिनट के लिए। लेट अस सपोज दिस इज एक्स वेक्टर। अब ट्राइंगल लॉ अगर इसमें लगेगा तो एक वेक्टर यहां है, दूसरा वेक्टर इसे यहां कंटिन्यू कर रहा है और तीसरा इसकी क्लोजिंग साइड है, तो क्या मैं लिख सकता हूं v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। तो एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो आपको ऐसा ही लगता है एक्स वेक्टर इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका नाम x वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा v वेक्टर, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर।
तो दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, मैं सीधा एक्स वेक्टर के चक्कर में क्यों पढ़ूं, मैं सीधा सीधा लिखता हूं दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। तो मैं यहां भी लिख रहा हूं दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो पता लग गया कि दिस इज डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है यहां तक। और सिर्फ यही नहीं, आप डायग्राम जहां मर्जी ड्रॉ कर लो, जैसे एक वेक्टर ये ले लो v1 वेक्टर, कुछ भी ले लो, एक वेक्टर ये ले लो मान लो नेक्स्ट वेक्टर v2 वेक्टर, और लेट अस सपोज ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये जो क्लोजिंग साइड आएगी ये फिर से क्या देगा आपको, डेल्टा v वेक्टर। जहां मर्जी ड्रॉ कर लो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। आपसे कोई बनवा नहीं रहा, आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, आपको तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा बनता है। आप डेल्टा वी वेक्टर की अगर डायरेक्शन देखें, जहां मर्जी ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डेल्टा वी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमेशा कहां पॉइंट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। असली बात ये है, पॉइंट ले रहे हैं यहां तक? तो डेल्टा वी वेक्टर कहां पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक चीज ध्यान से ये भी सुनने वाली है क्या, कि इस पूरे क्वेश्चन में स्पीड तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी, फिर भी क्या जनरेट हो गया, डेल्टा v वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी फिर जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि शायद हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड को चेंज ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन को ही चेंज करे, तो भी उसमें चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ये पॉइंट क्लियर है? क्या मैंने आपको वो क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया था पिछली बार, एक मैन जा रहा है टुवर्ड ईस्ट एंड नॉर्थ वाला, इस बैच में दिया था, तो मैंने ये बताया होगा कि हमने क्वेश्चन वेक्टर में किया था कि एक मैन टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसकी स्पीड तो चेंज हुई नहीं, फाइंड एक्सेलरेशन, तो उसमें भी तो एक्सेलरेशन आती है। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई बॉडी सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे और वैल्यू चेंज ना करे, तो भी उसमें क्या जनरेट हो जाती है, एक्सेलरेशन। ये स्टेप याद रखना है कि अगर कोई बॉडी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे वेलोसिटी की और वैल्यू चेंज ना करे, तो भी उसमें एक्सेलरेशन कैन बी जनरेटेड। और वही केस इसमें हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो किसी भी इंस्टेंट पर चेंज हो ही नहीं रहा, तो क्या चीज चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन, बॉडी मुड़ती जा रही है, टेंजेंट मुड़ता जाएगा सर्कल में, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस वजह से क्या जनरेट हो रहा है, डेल्टा वी वेक्टर। और अगर मैं डेल्टा वी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दूं, टाइम से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। और क्योंकि डेल्टा वी कहां पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी कहां पॉइंट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर है? तो एक पॉइंट समझ में आया कि अगर वेलोसिटी वेक्टर जरा सी भी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो डेल्टा वी वेक्टर कहां पॉइंट करता है, टुवर्ड्स सेंटर। और डेल्टा वी वेक्टर का मतलब कि एक्सेलरेशन वेक्टर भी कहां पॉइंट करता है, टुवर्ड्स सेंटर। और जो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है उसका नाम है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन आता है, या आपने सुना भी होगा शायद केमिस्ट्री में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वर्ड यूज भी करते हैं उसमें, या सेंट्रल फोर्स यूज करते होंगे वर्ड ऐसा कुछ। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर क्यों एक्ट करती है, क्योंकि डेल्टा वी वेक्टर कहां एक्ट करता है, टुवर्ड्स सेंटर। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, चेंज इन स्पीड नहीं, क्योंकि हमने स्पीड को तो इसमें चेंज किया ही नहीं, तो फिर क्या रीजन है, चेंज इन डायरेक्शन। तो जब जब बॉडी सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और सर्कल में घूमेगी, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। कोई डाउट इसमें? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने का रीजन चेंज इन स्पीड नहीं है, चेंज इन डायरेक्शन है, रहेगी। क्यों रहेगी, थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक, पॉइंट समझ में आया यहां तक? ठीक है यहां तक? अभी फॉर्मूला निकालूंगा ना, तब पता लगेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसका अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करती है, टुवर्ड सेंटर, और उसका होने का रीजन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है बस। और हम क्या करेंगे, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसकी वैल्यू होगी क्या। ठीक है यहां तक? वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी असाइनमेंट ही ओपन कर सकते हो, 47 सर्कुलर मोशन की हैंड रिटन, उसमें लिखा हुआ है सारा, तो उसी स्टेप
इसको एक बार देख लेंगे। देखो क्या कि सपोज करो एक मिनट के लिए ये डायग्राम बना हुआ है, आप सेम डायग्राम है। अब एक चीज बताओ कि इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम ध्यान से देख के बताना कि सपोज करो एक बॉडी हल्की सी अपने डिस्प्लेस हो जाती है। अगर हल्की सी डिस्प्लेस होती है तभी तो वेलोसिटी वेक्टर ने अपने डायरेक्शन को क्या किया, चेंज। अगर वो वहीं खड़ी रहती तो फिर तो वेलोसिटी एक ही तरफ हो जाती। तो इसमें वेलोसिटी वेक्टर ने डायरेक्शन चेंज किया तो हल्की सी डिस्प्लेस हुई, और कितनी डिस्प्लेस हुई, लेट अस सपोज डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेस हो गई, और डेल्टा आर वेक्टर में उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर कोई मैं बहुत बड़े राउंड चक्कर में चल रहा हूं तो कुछ देर तो मैं सीधा जाऊंगा फिर मैं डायरेक्शन मोड़ूंगा। तो जब मैं सीधा जा रहा था तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर यहां है, फिर मैं मुड़ गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर यहां है। तो यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ही वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ। डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहां तक? तो कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ सर्कल पे बैठा था, उसने कहा सर जब आपका वेलोसिटी चेंज हुआ ना v1 वेक्टर से, जब आपने v2 वेक्टर किया तो मैंने देखा आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की। मैंने कहा कितना? वो बोलता है डेल्टा आर चेंज की। हाँ मैंने कहा सही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तो मूव हुआ था तभी मेरी डायरेक्शन चेंज हुई थी। तो बोला देखो मैंने नोट कर लिया आपने सेंटर पे एक स्मॉल एंगल भी कवर कर लिया, कितना? डेल्टा थीटा। तो मतलब डेल्टा आर भी कवर हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली डेल्टा थीटा भी कवर हो रहा है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? और इतनी देर में वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हुई, सब इकट्ठा चल रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डेल्टा आर भी चल रहा है और डेल्टा थीटा भी चल रहा है। और ये पूरा प्रोसेस कितनी देर में हुआ? इन टाइम डेल्टा टी। ठीक, तो ये अगर डेल्टा थीटा है तो एक चीज याद रखना, ये जो वेलोसिटी के बीच में जो एंगल चेंज होते हैं ना, डायरेक्शन चेंज हुई, ये डायरेक्शन जो चेंज होती है ये भी एग्जैक्टली डेल्टा थीटा ही होती है। तो आप चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो अपने असाइनमेंट में कि अगर ये डेल्टा थीटा है, चेक करो मैंने यहां पर भी क्या ड्रॉ किया हुआ है, डेल्टा थीटा। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं ऐसा क्यों। देखो मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि अगर मैं डेल्टा थीटा को जीरो ले लूं, जीरो, तो डेल्टा थीटा जीरो का मतलब ये एक्चुअल में ये बॉडी यहां से यहां आई नहीं, यानी कि वहीं खड़ी हुई है। इसका मतलब अगर वो वहीं खड़ी हुई है तो ये डेल्टा थीटा भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो ये याद रखना है आपने कि सेंटर पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, वेलोसिटी के बीच में जो डायरेक्शन चेंज होती है वो भी एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट की होती है जितनी सेंटर पे एंगल कवर होता है। सेंटर पे एंगल कितना कवर होता है? डेल्टा थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर में भी चेंज कितना जाता है? डेल्टा थीटा। ये याद रखना है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इस रिजल्ट को यूज करते हुए मैंने अभी ये जो डायग्राम फिर से बना रहा हूं मैं, ये v1 वेक्टर है, आप चेक कर सकते हो, ये मैंने कहा था ये v2 वेक्टर है, और ये कितना है? डेल्टा v वेक्टर है, और ये एंगल मैंने कितना लेने को कहा? डेल्टा थीटा, कि डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का चेंज v1 से v2 वेक्टर हो जाता है। क्लियर है यहां तक? बस यही मेन है, उसके बाद तो हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे, आप इमेजिन करो ये एक सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर समझते हो, सेक्टर में एक फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्या? एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। कोई डाउट इसमें? सुना हुआ है आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है ये लेंथ, लेंथ। ठीक, तो एंगल की जगह क्या पुट करेंगे? डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। आर्क की जगह क्या पुट करेंगे? इसमें पूरे ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर का मॉड, ये रेडियस है, और ये रेडियस किसके इक्वल है? v, क्योंकि हमने v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो v लेना है, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v लेना है। नाम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शंस में डिफरेंट है, अदरवाइज तो v एंड v वैल्यू तो सेम ही चल रही है इसमें। कोई डाउट इसमें? और इसका मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे? आर्क डेल्टा v का मॉड। तो ये लेंथ क्या लेंगे ट्राइंगल की? डेल्टा v का मॉड, हमें लेंथ लेनी है तो लेंथ ले ली, और इसमें रेडियस क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? V। तो मतलब इस ट्रायंगल में एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ ये रही और इसकी लेंथ ये रही। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक? हमें क्लियर है यहां तक? तो बस यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा V का मॉड इज V इनटू डेल्टा थीटा कर लेंगे, और डेल्टा V का मॉड यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, V का फॉर्मूला हमने क्या प्रूव किया था लास्ट टाइम? V इज इक्वल टू
आर ओमेगा, ये तो फर्स्ट रिजल्ट था हमारा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और दूसरा एक बात बताओ, ओमेगा का एक रिजल्ट करवाया था मैंने डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, जो ओमेगा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो वी होता है वो उसको लिखा जाता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वी की जगह ओमेगा और एक्स की जगह थीटा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा को आप क्या प्लेस कर सकते हो, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो आप डेल्टा थीटा की जगह लिखो ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो एक काम करो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम को नीचे ले आओ, इनको मल्टीप्लाई करो आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी कहां पॉइंट करती है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर। तो इसकी जगह जो एक्सेलरेशन होगी उसका फॉर्मूला क्या बन गया, आर ओमेगा स्क्वायर, और वो भी कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर। इसीलिए इसका नाम है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स नहीं बोलना, फ्लो में फोर्स बोला जाता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो इंपॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए, ये ट्रिक तो चलो जो मैंने बताई दिया वो तो यूज ही हो रहा है, और ये आना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बोलो क्या, आर ओमेगा स्क्वायर। पहला फॉर्मूला लिख लिया, लिखा भी हुआ है शीट में, ठीक है यहां तक। दूसरा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा नहीं, लिख लो प्लीज जहां पर यह लिखा हुआ है। वी हमेशा किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है उसकी वेलोसिटी वी है और घूमने की वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एक काम करें, ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, यहां पे पुट कर दो। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज आर इनटू ओमेगा की जगह वी बाय आर का होल, आर इनटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर। तो मैं किसी न्यूमेरिकल में ये यूज करूंगा, किसी में ये यूज करूंगा, न्यूमेरिकल पूछ अगर तो मुझे ओमेगा देता है तो फिर मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल पूछने वाला मेरे को वी देता है मीटर पर सेकंड में, तो फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। लिख लेना ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलास सेम आंसर देंगे, पूछने वाले पे डिपेंड करता है वो ओमेगा की फॉर्म में अपना क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है या वी की फॉर्म में, जिसमें कहेगा उसी में कर देंगे, ठीक है। लिख लेना शीट पे। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। देखो तो शीट नंबर 47 जो सर्कुलर मोशन की थी, हमने इस शीट में ये फॉर्मूलाज हमने कर लिए थे। इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके लिए हमने एक रिजल्ट बनाया था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करेगी तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो वी होगी सर्कल के साथ, वी और ओमेगा आपस में कैसे रिलेटेड है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और इस एक्सप्रेशन में हमने ये बनाया कि अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डेल्टा वी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डेल्टा वी हमेशा कहाँ जाएगा, टूवर्ड सेंटर।
तो एक्सेलरेशन भी कहां जाएगी? टुवर्ड सेंटर। इसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमने बनाया आर ओमेगा स्क्वायर, और आपने एक और फॉर्मूला बनाया कितना? वी स्क्वायर बाय आर। फिर अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, साथ ही लिख लो एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है यहां तक? तो दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए। हम अभी तक ये एज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको स्पीड बोलते हैं, वो पूरे सर्कल में जब बॉडी घूमेगी स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। स्पीड चेंज नहीं होगी। कुछ दिन तो हम ऐसे काम चलाएंगे स्पीड चेंज नहीं होगी, पर कुछ दिनों के बाद स्पीड चेंज होगी। तो अगर बाय चांस स्पीड चेंज होती है, तो इमेजिन करो कि मैं एक बहुत बड़े चक्कर में घूम रहा हूं और मेरी बारी है पहले कुछ देर सीधा चलने के लिए, फिर मैं मुड़ूंगा इस तरफ। तो जब मैं स्पीड चेंज नहीं करता, तो चाहे मैं इधर जाऊं तो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, चाहे मैं इधर आऊं तब भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी स्पीड को तो चेंज मुझे करना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक मिनट के लिए अगर मैं सीधा जा रहा हूं कुछ देर के लिए और मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड आगे जाते हुए 2 मीटर पर सेकेंड, 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड, 7, 8, 9, तो कहने का मतलब कि जब मैं स्ट्रेट भी जा रहा था तो उस दौरान भी मैंने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया। ठीक, यही होगा ना, स्पीड चेंज करना, इंक्रीज कर दिया मैंने स्पीड। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में जाती है और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए भी वो स्पीड को चेंज कर देती है, देखो अगर वो स्पीड ना चेंज करती फिर तो पता ही है कि वेलोसिटी वेक्टर यहीं पर है, बातें खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यहां से यहां जाते हुए भी वो वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कर देती है? इंक्रीज। तो इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन रोल प्ले करेगी, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जब आप टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर कर रहे थे स्मॉल, उस दौरान आपने अपनी स्पीड को क्या कर लिया था? इंक्रीज। तो जब आप हल्की सी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे थे, नॉर्मली तो स्पीड चेंज नहीं होती, पर अगर आप चेंज कर लोगे तो टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर करते हुए जो वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में क्या जनरेट हो जाएगी? एक एक्सेलरेशन, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू इज डीवी बाय डीटी। जिस रेट से वी बढ़ रहा है उसी रेट से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जिन क्वेश्चन में स्पीड बढ़ेगी उनमें आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेंशन करना पड़ेगा। और कोई कहता है सर सेंट्रीपिटल कहां गई? सेंट्रीपिटल तो काम करेगी ही करेगी टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल का काम स्पीड को बढ़ाना नहीं है। सेंट्रीपिटल का काम सिर्फ डायरेक्शंस चेंज करना। सेंट्रीपिटल होने का रीजन क्या था? चेंज ऑफ डायरेक्शन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रीजन क्या है? चेंज ऑफ स्पीड। तो जिन क्वेश्चन में सर्कल में तो हर हालत में बॉडी घूमेगी घूमेगी, जिन क्वेश्चन में स्पीड चेंज नहीं होगी, यानी कि वी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी? जीरो। उन क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लेनी। लेकिन जिन क्वेश्चन में स्पीड चेंज होगी और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लेनी लेनी है, साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लेनी है। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली, हम इन कॉन्सेप्ट्स को, दो को मिक्स नहीं करेंगे। पहले हम स्पीड को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेंगे और हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। जब हम सिर्फ सेंट्रीपिटल के साथ काम करेंगे, और इसकी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में पूरी मास्टरी हो जाएगी और समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें, फिर हम स्पीड को इंक्रीज करके देखेंगे। फिर मैं एटी की एप्लीकेशन बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी स्पीड को क्या रखेंगे? सेम। पर मेरा बताना बनता है कि अगर चेंज होगा तो फिर मेरे को एक और एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसीलिए आपकी बुक्स क्या लिखती हैं, इसमें देखो जरा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या लिखा? वेलोसिटी वी मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस
जिस वजह से कौन सी एक्सेलरेशन आती है, सेंट्रिपेटल. इफ वैल्यू ऑफ वी, स्पीड ऑफ वी ऑल्सो चेंजेस, स्पीड चेंजेस, तो कौन सी एक्सेलरेशन आती है, टेंजेंशियल अलोंग विद सेंट्रिपेटल, अलोंग विद सेंट्रिपेटल दोनों आती हैं. तो उस केस में लिखा हुआ है सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. तो दो एक्सेलेरेशन अगर एक्ट करेंगी, एसी तो एक्ट करेगा करेगा, एटी भी करेगा, तो उस केस में नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, इन दोनों का वेक्टर सम, दैट इज अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, ये रहा. ठीक, पर इसकी डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, हम दो तीन लेक्चर के बाद करेंगे, अभी नॉर्मल करेंगे जब स्पीड सेम रखेंगे, तभी एटी की बात नहीं करेंगे. अब है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैसे कि कुछ चैप्टर चलेगा, जो अभी तक किया वो बेसिक्स हैं, असली चीज, असली सर्कुलर कैसे चलता है वो वहीं से समझ में आता है. और आपको एक और चीज बता दूं कि हमने, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला किया एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो हमने कहानी को उल्टा पढ़ा, हमने कहा क्योंकि बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो डेल्टा वी टूवर्ड सेंटर एक्ट होता है, तो इसीलिए सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन भी टूवर्ड सेंटर है, सेंट्रिपिटल फोर्स भी टूवर्ड्स सेंटर है. प्रैक्टिकली चीजें उल्टी चलती हैं, प्रैक्टिकली ऐसे चलती हैं, आपने एक पत्थर लिया, धागा लिया, पत्थर को घुमाना शुरू कर दिया, तो आप देखो पत्थर अपने आप सर्कल में कभी घूम ही नहीं सकता, पत्थर को सर्कल में घुमाना है तो क्या देनी पड़ेगी, सेंट्रिपिटल फोर्स. आप धागे को पकड़ के जोर लगाते हो तो धागा, आपका हाथ सेंटर बन जाता है और पत्थर इसके आसपास घूमता है, तो आप फोर्स टुवर्ड सेंटर लगाते हो और क्या प्रोवाइड करते हो पत्थर को, सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर. इमेजिन करो स्लो मोशन में क्या हो रहा है, देखो ये पत्थर है, ये पत्थर है, ध्यान आगे, ठीक, और वो सीधा जा, देखो पत्थर अपने आप सर्कल में नहीं घुमा करते, ठीक, घुमाने पड़ते हैं. तो ये पत्थर सीधा जा रहा था पर मैंने रस्सी को पकड़ रखा है यहां से, मैंने इसको ऐसे खींचा, मैंने क्या लगाई, सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब मैंने क्या दी इसे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जहां आती है वहां वेलोसिटी क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज. तो क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई की, मैंने इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दी, तो ये अच्छी भली सीरीज जा रही थी, इसको पता लग गया कि मैंने इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दी, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो इधर जाने की बजाय थोड़ी सी बेंड हो गई. अब ये इधर जाने की कोशिश कर रही है, मैं फिर क्या लगा दूंगा, फोर्स, फोर्स तो लगाता जा रहा हूं हर इंस्टेंट पे, तो मैं फिर क्या दे रहा हूं इसे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फिर ये डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज, हर इंस्टेंट पे यही करता जा रहा हूं और ये बेचारा पत्थर घूमता जा रहा है. और जिस वक्त मेरा स्ट्रिंग टूट गया गलती से या छूट गया मुझसे, अब ये नहीं हाथ आएगा, अब ये पत्थर सीधा चला जाएगा टेंजेंशियली. क्लियर? तो जब तक इसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी, ये डायरेक्शन चेंज करेगा, इसको मिलनी बंद हो गई, ये सीधा निकल जाएगा. क्लियर है यहां तक? तो चीजें कैसे चलती है समझ में आ रहा है? तो फोर्स से ही स्टार्ट होता है, किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए हम उसे सेंट्रिपिटल फोर्स देते हैं, वो सेंट्रिपिटल फोर्स लेके वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करती है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर देती है और बॉडी सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाती है. ठीक, तो एक रूल बना ले, इस दुनिया में अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो आप समझ लेना उसको किसी ना किसी ने तो सेंट्रिपिटल फोर्स दी ही है, अदरवाइज इस दुनिया में अपने आप कोई बॉडी सर्कल में नहीं घूम सकती. कोई कहता सर अर्थ घूम रही है, सन घूम रहा है या प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो फ्री में नहीं घूम रहे, सन बैठा है ना उसको घुमाने के लिए, सन खींच रहा है, सन के होते हुए कोई मजाल है कोई प्लैनेट तो उधर निकल जाएगा. सन ने जिस दिन खींचना बंद कर दिया ना तो अर्थ भी घूमेगी नहीं, अर्थ का बस चले तो अर्थ सीधा जाती जाएगी. अर्थ सन की ग्रेविटी, सन का मास बहुत बड़ा है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल है उसके पास. अर्थ भागना चाहती है यूनिवर्स में आगे, सन कहते हैं कैसे भाग रही है, दूर से ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अर्थ को फोर्स मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है, अर्थ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, लेकिन जाना तो आगे जाती है ना, पर सन खींच लेता है, हर वक्त सन खींचता जा रहा है, अर्थ को घूमना पड़ रहा है, मजबूरी है अर्थ की, सन का मास बहुत बड़ा है, उसके ग्रेविटेशनल पुल के चक्कर में ये फंस चुके हैं. तो बिग बैंग थ्योरी यही थी, पता नहीं कौन सा ऐसा सन था जो टूट गया, पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले बहुत बड़ी चीज कोई टूटी है, उसमें से एक सन बच गया और ये प्लैनेट्स बचे. प्लैनेट्स भाग रहे थे दूर सीधा, सन बीच में था और
सीधा जाते जाते सन के ग्रेविटेशनल पुल में फंस गए। अब सीधा जाता पत्थर अगर इस पुल में फंस जाएगा तो उसको बेचारे को सर्कल में घूमना ही पड़ेगा, और वो घूमता ही जा रहे हैं आज तक, वो बंद ही नहीं हुए। ठीक, जो निकल गए प्लैनेट्स वो निकल गए, अब उनका पता नहीं कहाँ वो किस चक्कर में पड़ गए, कौन सा सन के आसपास घूम रहे हैं, किसी के चक्कर में तो पड़ ही जाएंगे किसी ना किसी दिन, क्योंकि जब वो जा रहे होंगे तो कोई तो सन कहीं ना कहीं गैलेक्सी में मिलेगा और कहीं ना कहीं वो उसको खींचेगा, और सीधा जाता हुआ प्लैनेट जब खींचेगा तो फिर वही बस धागा नहीं दिख रहा सन और अर्थ का, अदरवाइज फोर्स तो एग्जिस्ट करेगी। यही चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, वो जो अभी चंद्रयान गया हुआ उसके एनिमेशन भी न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि पहले वो अर्थ, मैंने बताया था पहले भी कि अर्थ की उससे निकलेगा ग्रेविटेशनल पुल से, फिर मून के उसमें जाएगा, फिर मून के चक्कर काटेगा, मून के चक्कर को देखो ना, वो सीधा जा रहा था मून के पुल में आ गया, अब मून उसे, अगर वो सीधा जा रहा है मून उसे खींचेगा तो अल्टीमेटली उसे सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रही है टुवर्ड सेंटर और वो घूमता जाएगा, तो फिर धीरे धीरे घूमता जाएगा और कैसे उतरेगा वो ग्रेविटेशन बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या प्रिंसिपल है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो